नमस्कार दोस्तों, एसआर क्लासेज में आपका स्वागत है। हम मैथ पढ़ रहे हैं दोस्तों। आज वर्ग निकालना, वर्ग कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो शुरू करते हैं दोस्तों वर्ग निकालना। हमारे क्या करना है दोस्तों, वर्ग निकालने के लिए सिर्फ एक से लेके दस तक वर्ग याद होने चाहिए दोस्तों, एक से लेके दस तक दोस्तों। जैसे कि एक दो तीन चार पांच, ये दोस्तों एक से लेके दस तक वर्ग याद होने चाहिए दोस्तों। एक से लेके दस तक वर्ग याद है तो हम वर्ग निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों वर्ग निकालना। जैसे हमारे को पूछे हैं 44 का वर्ग, सही है दोस्तों, 44 का वर्ग क्या होगा, तो क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना दोस्तों आपको, बस ऐसे प्लस का निशान करना है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, चार, तो चार दोहरे कितना होता है 16, तो 16 यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों। इधर क्या है, चार, चार दोहरे कितना होता है 16, तो 16 यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों। अब इन तीनों को गुणा कर देंगे दोस्तों, चार चार दो, इनको चार गुणा दो गुणा चार गुणा चार गुणा दो, इनको गुणा क्या आया दोस्तों 32, तो 32 यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, एक भी यहाँ पे देख। अब इनको जोड़ देंगे दोस्तों, छ के छ, दो और एक तीन, छ तीन नौ और एक, क्या आंसर आया 1936। ये 44 का वर्ग हो गया दोस्तों। कर सकते हैं दोस्तों, जैसे हल करते हैं 44 का, ऐसे करते हैं दोस्तों 44 का वर्ग, 16 16 1 17 16 1 17 हल करेंगे दोस्तों, 13 8 9 1936। ऐसे भी क्या आया 1936, ऐसे करने पर क्या आया 1936, तो कर सकते हैं दोस्तों ऐसा। जैसे क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे दोस्तों 53 का वर्ग करना है, सही है दोस्तों, 53 का वर्ग करना है, क्या करेंगे दोस्तों, वही प्लस का निशान करेंगे दोस्तों। इधर क्या है, पांच, पांच के स्क्वायर कितना होता है 25, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या है, नौ, नौ का स्क्वायर क्या है, तीन का स्क्वायर क्या है, नौ, लेकिन क्या करेंगे दोस्तों, दो अंकों में लिखेंगे दोस्तों इनको, कभी भी यहाँ पे भी दो अंकों में लिखेंगे और यहाँ पे भी दो ही अंकों में लिखेंगे दोस्तों, किसी भी संख्या को दो अंकों में लिखेंगे दोस्तों। अब इनको गुणा करेंगे दोस्तों, पांच क्या है, पांच गुणा तीन और गुणा दो, इन सबको गुणा कर देंगे दोस्तों, पांच या पंद्रह, पंद्रह दूनी तीस, तीस यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, इनको जोड़ देंगे, नौ जीरो पांच तीन आठ, दो के दो कितने आए दोस्तों 2809। वैसे गुणा करके देखते हैं दोस्तों, 53 गुना 53 क्या है दोस्तों 2809, और ऐसे भी क्या है 2809, कर सकते हैं दोस्तों। क्या करना है दोस्तों, इनका स्क्वायर लिखेंगे, दो डिजिट में होना चाहिए दोस्तों, दो डिजिट यहाँ पे, दो डिजिट यहाँ पे, और इनको सबको गुणा करके यहाँ पे रखेंगे और इन सबको जोड़ देंगे दोस्तों, कर सकते हैं दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों, जैसे जैसे दोस्तों आपको करना है, छियासठ का वर्ग करना है दोस्तों, क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या है छह, पहले प्लस का निशान करेंगे दोस्तों, क्या है छह, छह का स्क्वायर कितना होता है 36, यहाँ पे क्या है छह, छह का स्क्वायर क्या है 36, इन सबको गुणा कर देंगे दोस्तों, छह गुना छह गुना दो, छह गुणा छह गुणा क्या हुआ दोस्तों, छचंगा छत्तीस, छत्तीसुनी 72, और इनको जोड़ देंगे दोस्तों 72 को। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना दोस्तों, जो भी है ना इकाई का अंक, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ खाली रखना है दोस्तों इसको, यहाँ पे जोड़ेंगे छह
तीन दो पांच, छह सात तेरह, असल की एक, तीन एक चार, क्या है आंसर? 4356 सही है दोस्तों। कर सकते हैं दोस्तों वर्ग निकालना, निकाल सकते हैं दोस्तों एक से लेके 99 तक किसी का भी निकाल सकते हैं दोस्तों, दो डिजिट वाले निकाल सकते हैं दोस्तों एक से लेके 99 तक, ऐसे ही करना है दोस्तों आपको। आप करिए दोस्तों जैसे क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे 55 का वर्ग कीजिए दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों, वही प्लस का निशान करेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या है, पांच, पांच के स्क्वायर कितना होता है 25, यहाँ पे क्या है पांच, पांच का स्क्वायर 25, इन सबको गुणा कर देंगे दोस्तों, पांच गुणा दो, इन सबको गुणा किया 50, तो 50 यहाँ पे रख देंगे दोस्तों, और इनको जोड़ देंगे दोस्तों, पांच के पांच, दो जीरो दो, पांच पांच दस, दो रे तीन, सही दोस्तों कितने आए 3025। कर सकते हैं दोस्तों वैसे गुणा करेंगे तो दोस्तों वो टाइम लगेगा, 55 गुणा 55 25 से दो 27, 7 5 12 7 10 2 रे 3, क्या आया दोस्तों 3025। और ऐसे भी हमारा आंसर क्या आया था 3025। अगर दोस्तों अगर इकाएक अंक 5 है, सुनना दोस्तों अगर इकाएक अंक 5 है तो 5 के स्क्वायर करना, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, सही है दोस्तों 25, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे जो भी संख्या है उससे अगली संख्या से गुणा करना दोस्तों, 5 से अगली संख्या 6, 6 को 5 से गुणा किया तो 30, ऐसे भी आंसर आते हैं दोस्तों। सिर्फ सिर्फ इकाएक अंक 5 होगा तभी ऐसे आंसर आएंगे दोस्तों। क्या करेंगे दोस्तों, इकाएक अंक 5, 5 का स्क्वायर 25, इधर क्या है 5, 5 से अगली संख्या 6, 6 का 5 को 6 को गुणा करेंगे तो 30, ऐसे कैसे 30, क्या आया 3025, जैसे करते हैं 65 का, तो क्या करेंगे 5 का स्क्वायर 25, 6 से अगली संख्या 7, 6 7 42, तो क्या आया 4225। अब गुणा करके देख लीजिए दोस्तों 65 का स्क्वायर 4225 ही आएगा दोस्तों, सही है दोस्तों। कर सकते हैं और देखते हैं दोस्तों, दोस्तों आज आपको दो डिजिट की सिखाएंगे, कल आपको 100 से लेके 999 तक बताएंगे दोस्तों, सही है दोस्तों। और आज है 1 से लेके 99, सही है दोस्तों। आज बताएंगे दो डिजिट के, कल बताएंगे 3 डिजिट के, सही है दोस्तों। जैसे क्वेश्चन है दोस्तों 75 का स्क्वायर करना है, तीन प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों, या तो आप इनको गुणा करके निकालोगे दोस्तों, 75 गुणा 75, 55 25, 5 8 35, 35 से 2 37, 5 7 35, 7 49 52, 7 5 12, 3 3 6, क्या है दोस्तों 56 25, सही है दोस्तों 56 25, तो आप इस तरह गुणा करके निकाल सकते हैं। ऐसे नहीं निकालना चाहते, यहाँ पे क्या है 5, तो 5 किस कर कितना होता है 25, यहाँ पे क्या है 7, 7 से अगली संख्या 8, 8 को 7 को गुणा किया तो 8 7 56, क्या है दोस्तों 5625, यहाँ पे क्या है तो गुणा करने पे 5625, या तो आप ऐसे गुणा करके निकालो तो वो टाइम लगेगा दोस्तों। क्या करेंगे यहाँ पे, अगर इकाएक अंक 5 है तो 5 को 25 ही देंगे दोस्तों, और जो भी यहाँ पे संख्या आएगी उससे अगले संख्या से गुणा कर देंगे दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। जैसे 85 का दोस्तों क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 8 से अगली संख्या 9, 9 को 8 से गुणा किया तो 8 9 72, 7225 हमारा आंसर आ गया। ऐसे आप गुणा करके देख लीजिए दोस्तों, 85 को 85 से गुणा करेंगे तो 7225 ही आएगा दोस्तों। जैसे 95,
सही दोस्तों, 95 करेंगे तो 25, 9 से संख्या 10, 9 को 10 से गुणा किया तो 90, क्या आया 9025। कर सकते हैं दोस्तों, जैसे 35 का 5 का 25, 3 से संख्या 4, 4 को 3 से किया तो 12, क्या आया 1225। जैसे 45 का 5 का स्क्वायर 25, 4 से संख्या 5, 5 को 4 से गुणा किया तो 4×5=20, क्या आंसर आया 2025। किसी मतलब जहां पे इकाई कर्ण 5 हो ना दोस्तों, तो उसको 25 लिखना है और अगली वाली संख्या से दाएं वाली संख्या ना उसको अगली वाली संख्या से गुणा करना है दोस्तों। सही है दोस्तों, कर सकते हैं। ये तो था 5 का दोस्तों। दोस्तों आप ओनली 3 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं, 3 सेकंड में दोस्तों। सही है दोस्तों, जैसे आपको पूछे हुए दोस्तों 56 का स्क्वायर, तो आप गुणा करने थोड़े बैठोगे दोस्तों, 56×56 ऐसे गुणा करोगे वो टाइम लगेगा। क्या करेंगे दोस्तों, मैंने क्या कहा था, बस प्लस का निशान बनाना है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, इनको सबको गुणा करेंगे दोस्तों, 5×6×2, 5×6=30, 30×2=60, बस इन सबको जोड़ देंगे, 6×3=60, 5×11=2=1, क्या आया 3136 या 2136। कर सकते हैं दोस्तों ऐसा क्वेश्चन, कोई सा क्वेश्चन हो दोस्तों, दो डिजिट का हो ना तो ऐसा ही होगा दोस्तों। जैसे दोस्तों चौवंगा करते हैं दोस्तों, क्या करेंगे, प्लस का निशान करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, इन सबको गुणा करेंगे, 5×20=20×40, तो बस 40 पर सिंपल कर देंगे, क्या आया 2916, और गुणा करके देख लीजिए दोस्तों, 54×54 को 2916 ही आएगा दोस्तों। कर सकते हैं दोस्तों, जैसे दोस्तों 25 का हमारे पता है 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, लेकिन ऐसे करना है दोस्तों, प्लस वाला लेके करना है दोस्तों, इसमें तो क्या करेंगे दोस्तों, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 2 डिजिट में लेना है दोस्तों, तो 0 4, अगर 4 इधर रखते हैं तो दोस्तों 40 हो जाता है, लेकिन हमें वो इधर रखना है जिससे 4 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, 0 4, 5×25, इन सबको गुणा करेंगे दोस्तों, जो भी संख्या दिख रही है दोस्तों सबको गुणा कर देंगे, 5×10, 10×20, 20 यहाँ पे रख देंगे, अब इन सबको जोड़ेंगे दोस्तों, 4×5=2, 4×2=6, क्या आया 625, 0 को मैं तो नहीं 0 डालेंगे दोस्तों, क्या आया 625। और वैसे बताया था दोस्तों अगर इकाई का अंक 5 हो तो 5×25, 2 से संख्या 3, 2×3 से गुणा किया तो 6, क्या आया 625। ऐसे भी क्या आया था 625, आप 25×25 से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा 625 ही आएगा दोस्तों। कर सकते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ×57 हल करिए दोस्तों, क्या करेंगे दोस्तों, वही प्लस का निशान, 5×25, 7×49, इन सबको गुणा करेंगे दोस्तों, 5×7=35, 5×2=70, और इन सबको जोड़ देंगे दोस्तों, 9×4=0 ही आएगा दोस्तों, 7×5=12, असल की 1×2=3, क्या आया 3249, और आप गुणा करके देख लीजिए दोस्तों, 57 को 57 से गुणा करेंगे तो भी 3249 ही आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, वर्ग निकालना बहुत आसान है दोस्तों, आपको सिर्फ 1 से लेकर 10 तक वर्ग याद करने हैं दोस्तों, जो 1 से लेकर 10 तक याद हो जाएंगे दोस्तों, 1 का, 2 का, 4 का, 16 का, 5 का, 25 का, 36 का, 37 का, 49 का, 58 का, 64 का, 91 का, 100, ये तो सबकी याद है दोस्तों, 1 से लेके 10 तक वर्ग,
और कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको 1 से लेकर 10 तक व्रत याद हो गए तो दोस्तों आप 1 से लेकर 99 तक वर्ग निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं दोस्तों, बस प्लस वाला और वर्ग निकल जाएगा दोस्तों, कोई सी भी संख्या को बताऊं सही है दोस्तों। जैसे और लेते हैं दोस्तों, कैसी का वर्ग करिए दोस्तों, कैसी का वर्ग तो क्या करेंगे दोस्तों, वो प्लस का निशान 8 का 64, अब 1 का 1 होता है लेकिन क्या करेंगे 2 डिजिट उतारेंगे दोस्तों, 0 1 उतारेंगे दोस्तों, सही है दोस्तों। अब क्या करेंगे इन सबको गुणा कर देंगे दोस्तों, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, इनको जोड़ देंगे दोस्तों, तो 1, 8, 6, 5, 4, 1, 5 और 6 क्या आंसर आया 6561। या आप गुणा करके देख लीजिए दोस्तों, 81 गुणा 81 1, 8 गुणा 8 और 64 गुणा किया तो 8, 8, 16, 6561 और हमारे यहाँ पे क्या आया था 6561। या तो आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा दोस्तों, बहुत हार्ड पड़ेगा, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे तो दोस्तों बहुत इजी आएगा, मात्र 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका। ये तो आपको समझाने के लिए थोड़ा धीरे कर रहा हूँ, तो आप कैसे भी कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कहा 45 पता है, 45 का 25, 4 का 4, 5, 20 2025 आंसर आ गए, जैसे 47 से क्या करेंगे दोस्तों स्क्वायर करेंगे, तो क्या करेंगे 47 का 4 का 16, 7 का 49 इनको गुणा करेंगे 7 से 28, 28 दूनी 56 और इनको जोड़ देंगे, जोड़ने पर हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, सही है दोस्तों, कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे कि 20 का स्क्वायर तो हमारे पता है 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, सही है दोस्तों, तो क्या करेंगे दोस्तों वही प्लस का निशान करेंगे, 2 का 4 2 डिजिट में लिखना है दोस्तों, 2 अंकों में लिखना है 0 4 0 का स्क्वायर 0 लेकिन 2 अंकों में लिखना है दोस्तों, तो डबल 0 सही है दोस्तों। अब इनको गुणा करेंगे दोस्तों, 2 को 0 से गुणा किया तो 0 0 किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो क्या करेंगे दोस्तों 0 यहाँ पे लिखेंगे और प्लस कर देंगे दोस्तों, इनको जोड़ा तो क्या है दोस्तों 400, हमारा आंसर क्या है 400। इसी प्रकार दोस्तों 70 का ग्रही क्या है दोस्तों, 7 का स्क्वायर वही प्लस करेंगे 7 का 49 0 का 0 तो डबल अंकों में लिखेंगे डबल 0 और इसको करेंगे दोस्तों गुणा तो क्या आएगा 0 तो यहाँ पे 0 इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा जोड़ने पे 49 और 70 का स्क्वायर कितना है 49 सही है दोस्तों, कर सकते हैं। कैसा क्वेश्चन क्यों ना हो दोस्तों, मात्र आप 3 सेकंड में आंसर दे सकते हो दोस्तों, अगर आपको 1 से लेकर 10 तक वर्ग याद है और आपको ये प्लस वाला याद है दोस्तों, कि कौन किसी भी संख्या क्यों ना हो दोस्तों 1 से लेकर 10 तक किसी भी संख्या ले लो, जैसे आपने लिया 58 का लिया दोस्तों, क्या करेंगे 5 का स्क्वायर 25 8 का 64 इनको गुणा करेंगे तो 8 5 40 40 2 9 80 और इनको जोड़ेंगे तो क्या आया दोस्तों 8 5 13 2 3 33 64 कोई सी भी संख्या क्यों ना हो दोस्तों, ऐसा ही करेंगे दोस्तों, बस प्लस में लिखेंगे दोस्तों को और कुछ नहीं करना है, और 5 वाला आपको आता है 5 तो कोई भी इकाई का अंक 5 हो, जैसे दोस्तों हल करेंगे 115 ये तो 3 डिजिट से भी हल हो जाएगा दोस्तों, 5 वालों को इकाई का अंक 5, 5 का 25 अगली संख्या 11 से अगली 12 इसको गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा दोस्तों, सही है दोस्तों। कोई भी संख्या क्यों ना हो दोस्तों, जैसे दोस्तों 85 करेंगे तो इकाई का 5, 5 का 25 8 से अगली संख्या 9 और 9 गुणा 8, 8 9 72 क्या है दोस्तों 7225 कह सकते हैं दोस्तों।
जैसे 94 करेंगे दोस्तों, क्या करना है दोस्तों वही प्लस का मान करेंगे, 9 का 81, 4 का 16, इनको गुणा करेंगे दोस्तों, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 72 यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, इनको जोड़ देंगे, 2, 2, 3, 7, 1, 8, 8, 1, 8, क्या है दोस्तों 8836। कोई सा भी क्वेश्चन हो दोस्तों हम कल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम कल से शुरू करेंगे दोस्तों 3 डिजिट वाले 100 से लेके 999 तक, इनमें भी कुछ नहीं करना होगा दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से करेंगे दोस्तों, हर क्वेश्चन आप 3 सेकंड में हल कर सकते हैं दोस्तों, किसी का भी वर्ग हो आप 3 सेकंड में निकाल सकते हो दोस्तों, सही है दोस्तों। इसी प्रकार हम देखेंगे 3 अंकों वाले में देखेंगे दोस्तों, ऐसा ही कुछ करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।